हेलो दोस्तों, क्या है ये कैब? क्यों देश में इतना हल्ला मच रही है कैब को लेकर, CAB को लेकर, CAA को लेकर? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, हम लोग सोशल मीडिया में या टीवी में कोई भी हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हम चलाएंगे तो दिखाई देगी कैब 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 और हल्ला मचा दिया पूरी इंडिया में। तो दोस्तों, कैब क्या है और इस पर क्यों इतना बवाल हो रही है, इसके लिए हम आज बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग तो बहुत सारे लोग रोड पे आ गई है कैब का विरोध करने के लिए, लेकिन हमने देखा है बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कैब क्या है, CAB क्या है, CAA क्या है, कुछ पता नहीं, सिर्फ विरोध करने के लिए रोड पर उतरा है। जब भी मीडिया जाकर उनको पूछती है कैब क्या है तो उसको आंसर नहीं दे पा रही होगी, कुछ क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कैब क्या है, लेकिन ये रोड पर आ गई है हल्ला मचाने के लिए। और बहुत सारे मुस्लिम ये बोलकर रोड पे आ गई है क्योंकि सभी मुस्लिम को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो PM बार बार ये कह चुकी है कि कोई भी मुसलमान को हिंदुस्तान छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो पाकिस्तानी मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम है और अफगानिस्तान की मुस्लिमों के लिए ये कानून आया है, जो अवैध तरीक़े से इंडिया में रह रहे हैं और उसका बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी बना लिए अवैध तरीक़े से, तो इसके लिए आया है CAB। लेकिन हमारी इंडिया की मुस्लिम ये नहीं, ये बार बार ये बोल रही है जो सभी मुस्लिम घर से निकल जाएंगे बाहर इंडिया छोड़ने जाना पड़ेगा। और कुछ पार्टियाँ इस कैब के विरुद्ध में बहुत सारी बात बता के लोगों को गुमराह करके, लोगों से उसको कैब के बारे ज़्यादा मालूम ही नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं वो भी रूट पे आ जा गई, तो ऐसा ठीक नहीं है। पहले आप कैब को ठीक से पढ़िए, कैब को जानिए, ये कई इंडिया की कोई भी हिंदू को उसका नागरिकता नहीं जाएगी, ये सभी बात ट्रू है, जो कोई भी इंडिया की जो मुस्लिम है उसका नागरिकता नहीं जाएगी कैब के द्वारा। तो दोस्तों, वीडियो सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को जानकारी हो और इस तरह के अफवाह में ना आए, तो वीडियो को सभी के ज़रूर शेयर करें।